एसएसएल के बाद अब एनटीपीसी में नियोजित ठेका कंपनियों के मनमानी की शिकायत सामने आने लगी है। एनटीपीसी पावर प्लांट में नियोजित पहलवान कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों ने पुराने ठेका कर्मियों को काम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नया ठेका होने के बाद जिस तरह से पुराने कर्मचारियों को काम से बाहर निकाला गया है, उससे पुराने कर्मचारियों के सामने रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लिहाजा ठेका कर्मियों को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का साथ मिला है। संगठन के पदाधिकारी कर्मचारियों को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और काम से बाहर निकाले गए ठेका कर्मियों को काम पर वापस लेने की मांग की। सर, हमन के 94 मतलब आदमी रहन आईटीआई समेत रही से 94 जने, जमा कुछ मन के गेट पास बने हैं और बाकी जन के भी नहीं बन पाए हो। तो हमन चाहत हन सर कि सब जन के गेट पास बनना चाहिए और सब काम मतलब रखना है मन ला। तो काम से काबू निकाले तुम्हें का बोल के निकाले? ये पैसा के संबंध है भैया, एमा का कि पैसा वापसी करथन तो ठीक रहते, पैसा वापसी नहीं होते तो मतलब यह पूरा छटनी करत है वहाँ ठेकेदार मुंशी के माध्यम से बहुत मतलब प्रताड़ना होते। इस बार ये नया ठेकेदार है, फिर वही कॉम्प्रोमाइज वाला बात आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, कितना पैसा खाते में आता है, कितना देते उसको आप बोलिए? अभी तो अब हम लोगों ने निकाल ही दिया सर, पिछले 2-3 साल से हम लोग नहीं दे रहे थे और इस बार ये नया ठेकेदार आया है, वो फिर से वही पुराना जो चल रहा था वापसी वाला सिस्टम फिर चालू करवाना चाहते हैं। नहीं जी, कितना पैसा लेता है वो अनुमानित बताइए। तो सर 5,000-4,000 ऐसे रहता सर। खाते से निकलने के बाद मिलता है? हाँ सर। तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? सर हम लोग को सब लोग को रखा जाए सर, और हम लोग का जो सर्कुलर आता है जो केंद्र से वो हमको चाहिए। 4 दिन के बाद में आज 9 दिन हो गए, मतलब आधा आदमी मतलब काम में नहीं रखे, और जो मन के रखे भी है ककरो ककरो गेट पास लिए करके भगा दिए जाते, ककरो मेडिकल लिए करके भगा दिए थे, और जो अंदर में काम में ले भी ले थे तो मतलब नियम कानून बताया जाते हैं कि जो अपने आईटीआई वाला होल्डर है तेला पत्ता भी ले के काम, साफ सफाई करे के काम, जो साफ सफाई करा थे तेला आईटीआई वाला जैसे काम करके काम में भेदभाव, तुम्हारा ओटी नहीं मिले, तुम्हारा म्यूचुअल नहीं मिले, इस तरह से प्रताड़ित करना वो चालू कर चुके हैं। और साथ में और जो भाई मन के काम में लगना रही से वो काम नहीं लग पाते, तेकर कारण हम आज प्रशासन के संज्ञान में डाले हैं।